इशरत जहां एनकाउंटर केस, जो एक वक्त हर अखबार की सुर्खियों में था, हर टीवी चैनल के हेडलाइंस में ये केस था। आखिरकार उस केस पर 15 साल के बाद एक बड़ा फैसला आया, और वो फैसला एनकाउंटर में शामिल रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी के लिए राहत भरा है। मैं जो कहता था कि हमारे एनकाउंटर सच्चे हैं, तो आज की तारीख में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, मुंबई की सीबीआई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने और आज अहमदाबाद गुजरात की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इस स्टैंड का स्वीकार किया है कि ये सब एनकाउंटर पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसरों ने अपनी फर्ज के अंतर्गत किया था एज अ पार्ट ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी। इशरत जहां केस में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा को सीबीआई कोर्ट ने सारे आरोपों से मुक्त कर दिया है। मतलब ये कि वंजारा बेगुनाह है। मतलब ये कि अहमदाबाद की सड़कों पर जो कुछ साल 2004 की तारीख को हुआ था वो सही था। जो एप्लीकेशन हमारी थी कि गवर्नमेंट की सैंक्शन नहीं है इसलिए ये केस आगे नहीं चल सकता, वो हमारी प्रेयर कोर्ट ने ग्रांट की है। आज डॉक्टर एन के अमीन और डीजी वंजारा साहब को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। उनके लाइफ के 8 साल जो निकल गए जेल में, उसका आज रिजल्ट आया। कोर्ट ने कहा था, कोर्ट ने आज लिखा है कि ये एनकाउंटर जेन्युइन था और अगर इसको नहीं रोकते तो पता नहीं गुजरात में क्या होता। इसीलिए अपने देश के लिए 7 साल 8 साल जेल में बिताने वाले ऑफिसरों को पहले मैं देश की ओर से और इस देश के नागरिक के नाते में सलाम करता हूँ। आखिर क्या था मामला, क्या हुआ था अहमदाबाद के उस सुनसान सड़क पर, इसे जानने के लिए चलिए आज से 15 साल पहले। तारीख 15 जून 2004, जगह अहमदाबाद गुजरात। इसी तारीख को अहमदाबाद के एक सुनसान सड़क पर गुजरात पुलिस ने एनकाउंटर में 4 लोगों को ढेर किया। इनमें इशरत जहां, जावेद गुलाम शेख, अमजद अली राणा और जिशान जौहर शामिल था। पुलिस का दावा था कि इशरत लश्कर की आतंकी थी और इन चारों के निशाने पर थे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। इशरत जहां एनकाउंटर केस के कुछ दिन के बाद ही इस पर सवाल भी उठने लगे और फिर इसकी जांच कराई गई। 5 साल की तफ्तीश के बाद साल 2009 में जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें इशरत जहां एनकाउंटर केस को फर्जी करार दिया गया। साल 2004 में इशरत जहां एनकाउंटर केस डीजी वंजारा की अगुवाई में हुआ था। ये वही डीजी वंजारा हैं जो कुछ साल के बाद सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में भी फंसे थे। सुनवाई लंबी चली, जांच लंबी चली और आखिरकार फरवरी 2015 में सीबीआई कोर्ट ने डीजी वंजारा को जमानत दे दी और अब एक बड़ी राहत फिर से डीजी वंजारा को मिली है। कोई आरोप नहीं, जो हुआ वो गलत नहीं था, यानी कि एनकाउंटर सही था।